नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। आज दिन इसमें 4% का अपसाइड देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम पे भी इसमें और भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ऐसे क्या हो गया कि 2 दिन 3 दिन से लगातार खरीदारी हो रहा है, ये आपके दिमाग में माइंड में आ रहा होगा, तो इस वीडियो में आपको ये क्लियर कर देता हूँ मैं। तो पहला चीज देखिए कि यहाँ पे ना एक आर्टिकल लिखा हुआ है और ये आर्टिकल ना एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस वक्त जब इन्वेस्टर्स बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ना सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें ना वो बता रहे हैं कि आईटी स्टॉक हो, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, ये जब स्टॉक है ना ये सेफ इस वक्त देखने को मिल रहा है और इसके हिसाब से यहाँ पे लोग ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अब कंटिन्यू देखो तो एफएमसीजी भी कल परसों से लगातार अपसाइड जा रहा है। आईटी सेक्टर में खुद के एचसीएल टेक्नोलॉजी का शेयर ही देख लो, 2-3 दिन से इसमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ना अभी सब लोग है ना डिफेंस, बैंक, पीएसयू से मेटल सेगमेंट, ये इसमें बहुत ही ज्यादा ना एक तरह से अपसाइड चला गया है। तो कई लोग ना अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और एक नया इन्वेस्टमेंट का जो जरिया है, जो जगह है, वो अभी आईटी सेक्टर को थोड़ा पसंद किया जा रहा है। तो धीरे धीरे इसमें और अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त क्या किया जाए, तो इस वक्त हमारे पास एक मजबूत सपोर्ट है 1360 रुपये का नया सपोर्ट लेवल। पहले तो यहाँ का सपोर्ट था, अब ये नया सपोर्ट है, मार्केट क्लोज किया 1397 पे। पहला टारगेट हमारा रहेगा वो है 1434 रुपये का एक रेजिस्टेंस लेवल। दूसरा टारगेट रहेगा 1520 रुपये तक का शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं, जनाब पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।